नमस्कार, हिंदू टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांति। पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हैदराबाद में भारी तूफानी बारिश। गणेशोत्सव समिति ने भोजन व्यवस्था किया है। तेलंगाना से आंध्रा को 5 लाख रुपए शराब की तस्करी। अब तक पकड़ा नहीं गया तेंदुआ। निर्मल जिले में प्रवासी मजदूरों का सड़क हादसा। टोलगेट के शेड गिरने से 2 किसानों की मौके पर मौत। बंडी संजय ने लहराया काले रंग का झंडा। प्रवासी इंजीनियरिंग का टेक्निक देखिए इस वीडियो में। अब समाचार विस्तार से। आज हैदराबाद में तेज बारिश, तेज हवा के साथ तूफानी बारिश हुई है। आज हैदराबाद में तूफानी बारिश। इस तेज बारिश के बाद हैदराबाद के रोडों पर टूट गिरा है झाड़ों को देखिए। इस तेज बारिश के बाद हैदराबाद के सड़कों पर झाड़ गिरे हुए नजर आए और हैदराबाद के ऐसे कई इलाकों में तूफानी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान दत्तात्रेय पहाड़ पे स्थित दत्त मंदिर, यहाँ पर बिल्कुल दत्त मंदिर के सामने एक शेड इस पहाड़ से हवा से उड़कर दूसरे पहाड़ पर जा गिरा है। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति सिकंदराबाद विभाग के कन्वीनर राहुल स्वागत ने और समिति कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज भोजन व्यवस्था किया है। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति सिकंदराबाद विभाग ने लॉकडाउन में ड्यूटी निभा रहे सफाई कर्मियों के लिए आज दोपहर में सिकंदराबाद विभाग के कन्वीनर राहुल स्वागत और कार्यकर्ताओं ने मिलकर दोपहर में भोजन व्यवस्था किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर भगवंत राव और अन्य भी शामिल थे। नगर गणेश उत्सव समिति के तत्वाधान में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हुए आज पूरा विश्व इस महामारी से गूंज रहा है। उसके चलते हुए आज भाग्यनगर में कोई भूखा नहीं रहे, इस उद्देश्य से भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के तत्वाधान में सिकंदराबाद में भोजन वितरण का कार्यक्रम पिछले 20-25 दिन से यहाँ पे निरंतर चल रहा है। उसी प्रकार जो अधिकारी गण हैं उन लोगों के लिए भी फ्रूट जूस पानी का उन लोगों का भी मनोबल बढ़ाने है, तो भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति कार्यक्रम को पिछले 20 दिन से सफलतापूर्वक लेके जा रहा है। तेलंगाना से आंध्रा शराब की तस्करी। ट्रॉली ऑटो में लाल तरबूजों के लोड के बिल्कुल नीचे कार्टूनों में भरे 5 लाख रुपए की शराब गुंटूर रूरल पुलिस ने जब्त किया है। तेलंगाना से आंध्रा शराब की तस्करी। ट्रॉली ऑटो में जो लाल तरबूज भरे हुए इन तरबूजों के नीचे 5 लाख रुपए के शराब को ले जाते समय गुंटूर रूरल पुलिस ने जब्त किया है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौटेंगे और समाचार बाकी है, देखते रहेगा हिंदू टुडे।
हैदराबाद में अब तक नहीं पकड़ा गया तेंदुआ, जू और पुलिस कर्मियों ने मिलकर उस तेंदुए की तलाश कर रहे हैं। हैदराबाद में अब तक पकड़ा नहीं गया तेंदुआ, जू और पुलिस कर्मियों ने मिलकर उस तेंदुए की तलाश कर रहे हैं। तमाम कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, मगर तेंदुआ कहाँ है और किधर है उसकी तलाश जारी है। तेंदुआ का पता अभी तक नहीं चल पाया। पुलिस तेंदुआ पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है। उसका पता अब तक नहीं चल पाया कि वो किधर है। हम हैदराबाद के जनता से कहते हैं कि वो सावधान रहें। निर्मल जिले भाग्यनगर रोड पर सड़क हादसा। इस लॉरी में सफर कर रहे 70 प्रवासी मजदूर थे। निर्मल जिले भाग्यनगर नेशनल हाईवे रोड पर आज सुबह लॉरी में 70 प्रवासी मजदूर जो हैदराबाद से गोरखपुर जा रहे थे, तभी एक दुर्घटना घटी। लॉरी ने हाईवे रोड के साइड जो रेलिंग रहता है, टक्कर मार के लॉरी पलटी मारते हुए उल्टा गिर गया। इस लॉरी गाड़ी में सफर कर रहे 70 प्रवासी मजदूर में से 9 लोगों को गंभीर रूप से घायल हुए, 20 से अधिक सिर्फ मामूली चोटें आईं। इस घटना के बाद TRS के स्थानीय MLA अलोला इंद्रकरण रेड्डी ने, जो राज्य सरकार के मंत्री हैं, इन्होंने दौरा किया और कहा है कि जो लोग इस दुर्घटना से बचे उन्हें गोरखपुर भेजने का इंतजाम करें। अधिकारियों को सूचना दी है। नालुगु गंटल प्रांतंलो निर्मल रूरल పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో హైవే పైన వెళ్తున్న ఒక లారీ బోల్తా పడి దాంట్లో ఉన్న మైగ్రెంట్ లేబర్ హైదరాబాద్లో నుంచి హైదరాబాద్లో ఎక్కి అలహాబాదు తర్వాత బీహార్ రాష్ట్రాలు వెళ్తున్న వారు దాదాపు 60 పైగా ఉన్నారు అందులో అని చెప్పి అంటున్నారు. అది బోల్తా పడడంతో దగ్గరగా ఒక 18-19 మందికి ఇంజురీస్ అవ్వడం జరిగింది. तेलंगाना राज्य के महबूबनगर जिले में मिदिजिल मंडल मन्नूर गांव के पास तूफानी हवा से टोल गेट के शेड गिरने पर 2 किसानों की मौत हो गई है। तेलंगाना राज्य के महबूबनगर जिले मिदिजिल मंडल मन्नूर गांव के पास भारी तूफानी बारिश और हवा से टोल गेट की शेड उड़कर बाजू काम कर रहे किसानों पर जा गिरा और गिरते ही मौके पे उन दोनों किसानों की मौत हो गई। आपको बता दें ये उन दोनों किसान पति और पत्नी हैं। तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने तेलंगाना सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए अपने घर पर काला झंडा लहराया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच पानी और पानी के सामर्थ्य को लेकर एक समझौता हुआ है। उथरेडुपाड़ू जो पानी के सामर्थ्य को लेकर एक समझौता हुआ था, आंध्र सरकार ने कुछ दिन पहले इस समझौता के खिलाफ एक जीओ जारी किया है। इस विशेष पर तेलंगाना सरकार खामोश रहने पर बंडी संजय कुमार ने अपने घर पर काले रंग का झंडा लहराकर तेलंगाना सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। लॉकडाउन में प्रवासी अपने अपने गांव वापस जाने के लिए कोई पैदल सफ़र तय कर रहा है, कोई और इंतज़ाम कर ले रहे हैं। इस बीच एक प्रवासी ने अपने पूरे परिवार को साधो सामान के साथ किस तरह वापस अपने गांव जा रहा है, ये आप ही देखिए इस वीडियो में।
ये थे आज के मुख्य समाचार। कल फिर और मुख्य और खास समाचारों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए देखते रहें हिंदू टुडे। नमस्कार, धन्यवाद।